शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है और जो हमारे दिलों को नूर से मुनव्वर करता है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को ज़ुहेब हसन की जानिब से सलाम। तो आज ये जो गेट मैं आपके साथ लेके आया हूँ ये इंशाल्लाह अनवारुल हक के भाई के घर जाएगा आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर के साथ बिल्कुल सहनसा है, वहाँ का ये ऑर्डर है और इंशाल्लाह हम अपनी गाड़ी बुक करवा कर इसको जोन सा है वो यहाँ से ले कर जाएँगे। और आप इसके साथ देख लें, इसमें इसका गेट वज़न ज़्यादा होने की वजह से हमने नीचे व्हील लगा दी है ताकि ये खुलने में आसानी हो सके इसको। और आप इसकी माशाल्लाह खूबसूरती और इसकी आप देख सकते हैं, ये जो स्टील है हमने ये शाइनिंग वाला यूज़ किया है। स्टील जो होता है बेसिकली शाइनिंग वाला है और बाहर वाले जो उनसे बहरे हैं वो हमने तीन तीन लगा दिए गए हैं। तो आप इसके सामने देख सकते हैं, ये इनकी पोती का नाम है और ये भाई ने अपने दो बेटों का नाम लिखवा दिया था। और क्योंकि गेट भारी था मगर इसमें अभी यहाँ पर बॉर्डर भी लगना है तो फिर इसके साथ इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वो बॉर्डर जो सा है वो हम वहाँ पर जाकर लगा देंगे इंशाल्लाह से। और मज़ीद आपको मैं दिखाऊँ तो हमारी वर्कशॉप पे और क्या चल रहा है। तो ये गेट पड़ा है, ये इंशाल्लाह चकवाल में जाएगा, ये भी हम एक ही गाड़ी में लोड करके ले कर जाएंगे। तो सोमवार तक हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह। चकवाल में ये गेट ड्रॉप आउट करेंगे और ये दो पल्ले हैं और इसके साथ ये एक पल्ला पड़ा है और ये 14 गेज में है, ये 14 गेज लगी हुई है और इसकी बैक साइड पे जो से है ये 16 गेज है। तो आप इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।